जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चैनम नित्यजातम्, 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 अथ चैनम नित्यजातम्। नित्यं वा मन्यसे मृतम्, 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 नित्यं वा मन्यसे मृतम्। तथापि त्वं महाबाहो, तथापि त्वं महाबाहो, तथापि त्वं महाबाहो, तथापि त्वं महाबाहो, नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातम्, अथ चैनं नित्यजातम्, नित्यं वा मन्यसे मृतम्, नित्यं वा मन्यसे मृतम्। तथापि त्वं महाबाहो, तथापि त्वं महाबाहो, नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचितुमर्हसि। अथ च एनं नित्यं जातं, नित्यजातं, नित्यं वा मन्यसे मृतम्, तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम् अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अथ माने अनंतर, इसके बाद, इसके पहले जो भी कहा उसके बाद, कि त्वम तू एनम इस आत्मा को नित्यम जातम, यदि इस आत्मा को नित्यम जातम सदा जन्मने वाला वा अथवा नित्यम सदा मृतम मरने वाला, मन्यसे मानता है, तथापि तो भी महाबाहो, हे महाबाहो, एवं इस प्रकार सोचितुम शोक करने को न अर्हसि, योग्य नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, यदि मान लो कि तुम इस आत्मा को नित्य मरने वाला और नित्य जन्मने वाला समझते हो, फिर भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। क्यों? कि कहा गया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, 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 ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मादपरिहार्येऽर्थे, 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 येऽर्थे,
अपरिहार्ये अर्थे न त्वं सोचितुम् अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ही क्योंकि इस मान्यता के अनुसार कि जो मान लो तुम आत्मा को नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला ऐसा यदि मानते हो तो इसके अनुसार भी जातस्य जन्मे हुए को मृत्यु हो मृत्यु ध्रुवः निश्चित है। यदि मान लो तुम आत्मा को जन्मा हुआ मानते हो तो ये भी निश्चित है कि जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। च और मृतस्य मरे हुए का जन्म जन्म ध्रुवम निश्चित है और जो मरा है मर गया है उसका जन्म निश्चित है। तस्मात् इससे भी अपरिहार्य बिना उपाय वाले, अपरिहार्य माने बिना उपाय वाले अर्थे विषय में त्वम तू सोचितुम शोक करने को न अर्हसि योग्य नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण जी के कहने का अभिप्राय है कि अर्जुन यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने वाला और मरने वाला समझते हो या मानते हो तो भी जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है और जिस जो मर गया उसका जन्म होना निश्चित है। तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ये अपरिहार्य बिना उपाय वाले बिना उपाय वाला। तो ऐसे विषय में भी तुम शोक करने के योग्य
नहीं हो। अव्यक्तादीनि भूतानि, 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 व्यक्तमध्यानि भारत, व्यक्तमध्यानि भारत, व्यक्तमध्यानि भारत, व्यक्तमध्यानि भारत, व्यक्तमध्यानि भारत, व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव, 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 तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना, अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि भारत, व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव, अव्यक्तनिधनान्येव, तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। भारत, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, भूतानि संपूर्ण प्राणी, अव्यक्तादीनि जन्म से पहले अप्रकट थे। भगवान श्री कृष्ण जी के कहने का अभिप्राय है कि सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मतलब वे दिखाई नहीं देते थे। क्या कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से पहले का कुछ बता सकता है? नहीं बता सकता। इसका मतलब कि जन्म से पहले अप्रकट थे, प्रकट नहीं थे। और मरने के बाद भी अव्यक्त, अप्रकट, मरने के बाद भी अप्रकट, मरने के बाद का भी पता नहीं है। मरने के जन्म से पहले भी अप्रकट थे, जन्म से पहले भी अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हैं। अप्रकट माने जो प्रकट नहीं है, जो दिखाई नहीं दे, जिनका ज्ञान नहीं है। तो जब मरने, जन्म से पहले भी अप्रकट और मरने के बाद भी अप्रकट, तो निधनान एव अप्रकट हो जाने वाले हैं, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल व्यक्त मध्यान बीच में ही प्रकट हैं। यानी कहने का मतलब है कि जन्म से पहले भी प्रकट नहीं, जन्म मरने के बाद भी प्रकट नहीं, ये बीच में ही
प्रकट हैं, दिखाई दे रहे हैं। अभी का ही तो समझ में आ रहा है, जन्म से पहले का कुछ पता है, कुछ पता नहीं, मरने के बाद का भी कुछ पता नहीं है। केवल ये बीच की जो स्थिति है इसमें प्रकट हैं। फिर जब ऐसी स्थिति है तो तत्र ऐसी स्थिति में का क्या परिदेवना शोक करना है, कि जन्म के पहले भी अप्रकट, मरने के बाद भी अप्रकट, बीच में ही केवल प्रकट। तो ये जब ऐसी स्थिति है, सब ये जानकारी है, तो फिर इसमें क्या शोक करना है, कोई शोक करने की बात नहीं है। आश्चर्यवत 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 पश्यति कश्चिदेन पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आचार्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आचार्यवत पश्यति पश्यति कश्चिदेन आश्चर्य आश्चर्य वत वत पश्यति पश्यति कश्चि कश्चि देन देन आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आचार्यवत पश्यति कश्चिद कश्चिदेन आश्चर्य आश्चर्य पांच बार कहो आश्चर्य 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 आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आचार्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आचार्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वत पश्यति कश्चिदेन पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आचार्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन 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 माश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः माश्चर्यवत वदति माश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः तथैव चान्यः माश्चर्यवत वदति 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 तथैव चान्यः 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 माश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः माश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः माश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति
श्रृणोति आश्चर्यवच्चैन मन्यः श्रृणोति आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनम् वेदनचैव कश्चित् आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई तो कश्चित् कोई महापुरुष एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति पश्यति देखता है, च और तथा वैसे ही एव ही अन्यः दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का च और अन्यः दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही एवं एनम इसे आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति श्रृणोति सुनता है, च और कश्चित् कोई कोई तो श्रुत्वा सुनकर के अपि भी एनम इसको न एव नहीं वेद जानता नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि कोई महापुरुष तो इस आत्मा को आश्चर्यवत देखते हैं और कोई अन्य दूसरे जो महापुरुष हैं कोई आश्चर्य की भांति वर्णन करते हैं और कोई अन्य दूसरे हैं महापुरुष वे इस आत्मा को आश्चर्य की भांति सुनते हैं और कोई कोई तो सुनकर के भी नहीं जानते। देहि नित्यम अवध्योयम् देहि
नित्यमवध्योयम् देही नित्यमवध्योयम् देही नित्यमवध्योयम् देही नित्यमवध्योयम् देही नित्यमवध्योयम् मवध्योयम् मवध्योयम् देही नित्यमवध्योयम् देही नित्यमवध्योयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यमवध्योयम् देहि नित्यमवध्योयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि देही नित्यम् अवध्यः अयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि भारत हे अर्जुन अयम् यह देही आत्मा सर्वस्य सबके देहे शरीर में नित्यम सदा ही अवध्यः अवध्य है। मतलब कहने का मतलब ये है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन सबके शरीर में ये आत्मा अवध्य है, मतलब ये आत्मा को मारा नहीं जा सकता, नहीं इसका वध नहीं हो सकता, ये अवध्य है। तस्मात् इस कारण सर्वाणि संपूर्ण भूतानि प्राणियों के लिए त्वम तू शोचितुम शोक करने को न अर्हसि योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन सबके शरीर में ये आत्मा अवध्य है, मतलब ये आत्मा मारा नहीं जा सकता। फिर संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करना यह योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।